हुकूमत पंजाब का सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम। यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत बेड्स की तादाद 10,000 से बढ़ाकर 30,000 और पैनल पर मौजूद सरकारी और निजी अस्पतालों की तादाद 43 से बढ़ाकर 150 कर दी गई। बरामदात में इजाफे का रुझान बरकरार। माली साल 2022 के पहले निसफ के दौरान बरामदात में 25% का इजाफा, जबकि दिसंबर 2021 के दौरान बरामदात 16.7% इजाफे के बाद 2.76 अरब डॉलर तक जा पहुँची। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान और टांक में जेरे जमीन पानी की सतह बेहतर करने के लिए तरजीही बुनियादों पर 3 डैम्स की तामीर का फैसला। दराबन डैम, टांक जाम डैम और 14वां जाम डैम तामीर किए जाएंगे। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान बेहतर मौसमियाती तआवुन का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक ग्रीन स्टिमुलस पैकेज के नफाज में पाकिस्तान की मदद करेगा। बेहतर रफ्तारसाजी और इलाकाई तजारत के फरोग में अहम पेशरफ्त। 21 दिसंबर को पाकिस्तान से रवाना होने वाली पाकिस्तान ईरान तुर्की फ्रेट ट्रेन अंकारा पहुँच गयी। दूसरी फ्रेट ट्रेन भी 28 दिसंबर को रवाना हो चुकी। पाकिस्तान रेलवे को दोनों ट्रेनों से बिलतरतीब 8 और 22 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। फिजाई दिफा में एक और अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान चीन से लॉन्ग रेंज J-10C फायरबर्ड फाइटर जेट हासिल करेगा। पाकिस्तान टेक्सटाइल बरामदात में तेजी। दिसंबर 2020 के मुकाबले में दिसंबर 2021 के दौरान शानदार इजाफा। मर्दाना गार्मेंट्स में 26%, कॉटन फैब्रिक में 17%, जर्सियों की बरामदात में 55%, टी शर्ट 46% का इजाफा। डिजिटल बैंकारी और मालियाती निजाम में बड़ी पेशरफ्त। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल बैंकों के लिए लाइसेंस इजरा के नए फ्रेमवर्क का आगाज कर दिया।